अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाटू जी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे घर वाले रोहित को अपना लें? मेरी मदद करो। आगे बच्चों, शाबाश। पिंकू जी, मैंने तुम लोगों के लिए हलवा और रबड़ी बनाया है। ये यूनिफॉर्म बाद में बदल लेना, बस हाथ धो लो और चलो आगे। वाओ रबड़ी और हलवा, ये तो मेरा फेवरेट है, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। ए लड़की। कौन सी लड़की दादी? तू और कौन? दादी आप इतना जल्दी मेरा नाम भूल गई? मेरा नाम तो रूही है, ए लड़की नहीं। और देखो लड़की, तुम्हारे ये कपड़े जो है ना, ये बहुत गंदे हैं। पहले जाओ कपड़े बदलो, हाथ वाथ धो, फिर आ जाना। और तुम दोनों आओ मेरे साथ। दादी मेरे कपड़े तो गंदे नहीं है, पर मैं फिर भी जल्दी से बदल कर आती हूँ। दादी रुई आती ही होगी, उसके लिए भी थोड़ा सा बचा देना, नहीं तो सारा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम तो खा लो, उसके लिए तो और बहुत सारा रखा है, वो खा लेगी आके। अभी तुम लोग जितना मन करे ना उतना खाओ, खूब अच्छे से खाओ, लो खाओ। मुझे देखना होगा रूही कहाँ है। दादी मैं कपड़े बदल कर आ गई, मेरी हलवा और रबड़ी कहाँ है? बेटा वो तो खत्म हो गया, करेली की सब्जी और रोटी है, वो खा लो। करेला नहीं दादी, मुझे रबड़ी पसंद है, मुझे रबड़ी खानी है। रबड़ी खानी है? हाँ। मॉम, क्या कर रही हैं आप? छोटी बच्ची है वो। तो मेरी नहीं है, जिसकी है वो समझे। मैं किसी अनजान लड़की को अपना नहीं मान सकती निहार, और तुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए निहार, क्योंकि खून खून होता है बेटा। जरा सोच, कल को चूही बड़ी होगी और उसे उसे पता चलेगा कि उसे अपनी हर एक चीज एक अनजान लड़की के साथ बांटनी पड़ रही है, तो सोचो कैसा लगेगा उसे। हम रूही जूही की परवरिश ऐसे करेंगे कि उनमें कभी ये भेदभाव आएगा ही, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत होगी। लेकिन आपने तो रूही को ऐसे किनारे कर दिया जैसे चावल में कंकड़, जो कि बहुत गलत है माँ। जूही की तरह रूही भी मेरी बेटी है, प्लीज अपना लीजिए उसे, ऐसी हरकतें मत कीजिए। रूही, दादी ने आपके लिए अलग से रबड़ी निकाल कर फ्रिज में रख दी थी और भूल गई थी। अभी अभी दिशा मुझसे 30,000 रुपए लेकर गई है, तुम्हें जरूरत नहीं है। 30,000? रुचिता, रूही जो ही हमारी बेटी है, तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। नहीं नहीं आज, इस बार मैंने सब मैनेज कर लिया, लेकिन अगली बार कोई भी जरूरत हो तो मैं जरूर बताऊंगी। एक सेकंड जी, मिस्टर गुप्ता जी। जी जी जी, हाँ मैं आपको अभी बताता हूँ। निहार जी को बच्चों की फीस शायद से याद नहीं होगी, लेकिन रूही जोही दोनों की फीस मिलाकर भी 15,000 से ज़्यादा नहीं है। फिर दिशा ने 30,000 क्यों लिया निहार जी से, और स्कूल फीस की लेट डेट तो निकल चुकी है। मैं पैसे लेके बस पहुँच रही हूँ, तुम बार बार ऐसे फोन मत किया करो, किसी को शक हो जाएगा। एक घंटा बस, वरना मैं पैसे लेने आ जाऊंगा, जो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम इधर मत आना,
जब से तुमने रुचिता को किडनैप किया उसको शक हो गया है। मैं 15 मिनट में घर से बहाना बना के निकल रही हूँ, पर तुम इधर मत आना प्लीज, मैं पैसे लेके आ रही हूँ जल्द से जल्द। दिशा ने अपना काम तो करवा लिया और पैसा देने के बाद मुकर गई। मतलब दिशा ने पिंकू के नाम पे जो पैसे लिए वो गुंडे को देने के लिए लिए थे, और अगर इसने गुंडे को पैसे नहीं दिए तो वो यहाँ आ जाएंगे। यही सही मौका ये पता करने का कि आखिर दिशा का उन गुंडों से क्या वास्ता है। मुझे कैसे भी करके दिशा को रोकना होगा, और कैसे? क्या कहा दादी? राहु दोष लगा है क्या? ऐसे में अगर घर की लक्ष्मी घर से बाहर गई तो घर से लक्ष्मी चली जाएगी। हे भगवान, 1 घंटे तक घर की बहू और बेटी को घर में ही रहना है। अच्छा, और क्या क्या करना है दादी? खैर, मैं तो अब इस घर की लक्ष्मी नहीं हूँ। माँ को बताऊंगी तो वो शायद मेरी बात भी नहीं मानेंगी। जी जी, मैं रखती हूँ। राहु दोष लगा है और मुझे पता ही नहीं। खैर, रुचिता की दादी को इन सब बातों का ज्यादा ज्ञान है, मैं पूनम को बताती हूँ। अब देखती हूँ दिशा घर से बाहर कैसे जाती है। माँ जी, 4 बज गए, मैं जाऊं? जा। तो राहु दोष भी खत्म। सुनो, इतने भी क्या जल्दी है? बड़ी बेचैनी है तुम्हें बाहर जाने की? सैर सपाटे का बड़ा शौक चढ़ गया तुमको? हाँ माँ जी, वो घूमने नहीं जा रही हूँ। वो हाँ, वो क्या है ना, ड्राई क्लीनर पे साड़ी दी थी तो बस वही लेने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी लेके। ये खाटू जी, कैसे रोकूं मैं दिशा को? शा, कहाँ जा रही हो? बस ऐसे ही। क्यों, क्या हुआ, कुछ काम था? बताया तो था, आज पिंकू के क्लासमेट का बर्थडे है, उसने पिंकू को इनवाइट किया, इसलिए मैं ऑफिस से फटाफट काम करके आ गया। रूही जूही को भी बुलाया। तुम फटाफट पिंकू को तैयार कर दो और तुम्हें भी चलना है, और मैं रुचिता को कह दूंगा वो रूही जूही को तैयार कर देगी। वो मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगी, प्लीज आप लोग ही चले जाइए। रुचिता जी, आप चले जाइए ना प्लीज। मैं कैसे चली जाऊं? वैसे भी पिंकू के फ्रेंड का बर्थडे, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ दिशा। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, प्लीज आप लोग ही चले जाइए ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे लेट हो रहा है आंटी, चलो ना, मम्मी को छोड़ो। रुचिता, चलो तुम साथ। ये पक्का दिशा की ही कोई चाल है, वो जरूर उन गुंडों से मिलने जाएगी। क्या करूं अब? द
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।